से कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद ने नशा मुक्ति सियासी अभियान चलाया, जिसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अभियान की शुरुआत नूह के सतपुतिया का गांव हुसैनपुर से की गई। नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कुछ इस तरह की गई, मानो रैली या समर्थन का आयोजन हो रहा हो। वहीं इस कार्यक्रम में विधायक आफताब अहमद ने पत्रकारों के सामने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नशे को रोकना एक सामाजिक कार्य है, जिसे रोकने के लिए समाज सेवी, बुद्धिजीवी और नौजवान व बुजुर्गों को आगे आना चाहिए और समाज में फैली बुराइयों को रोकने के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जिससे युवा पीढ़ी लगातार बर्बाद हो रही है। आफताब अहमद ने कहा कि वह इस अभियान के तहत नशे को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, युवाओं को इस दलदल में नहीं फंसने दिया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता जुबेर खान की ये खास रिपोर्ट। एक सामाजिक कार्य है जिसके लिए सभी समाज के लोगों को, सभी अपने सामाजिक संस्थाएं हो, बुद्धिजीवी हो, शिक्षाविद हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हमारे सम्मानित जितने भी इलाके के मौजूदान हैं, उनको सबको बैठ के एक बात के चिंतन करने के लिए और एक आगाज़ करने के लिए कि समाज में फैल रही कुरूतियाँ बहुत हैं, लेकिन नशाखोरी जो अपना पांव पसार रही है और जिस तरीके से युवाओं में एक इसका प्रचलन बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए एक हमारी सामाजिक दायित्व है और उसके लिए सभी को उसमें अपने प्रयास करने चाहिए, सभी को उसमें रोक लगाने के लिए अपने अपने तरीके से लोगों में समझाने के तौर पे, लोगों को उसके बुराइयों की नशे के बताने के तौर पे और किस तरीके से उसका निजात हो सकता है, इलाज हो सकता है, उसके लिए हमने अपने उलेमाओं से भी, अपने डॉक्टर विशेषज्ञ हैं उनको भी बुला के आज लोगों के सामने अब उनके विचारों को सुना भी, लोगों ने भी सुना। और हम ये मानते हैं कि एक ऐसी बुराई है जिसको समाज को मिलके हमें दूर करना होगा और उसके लिए हम अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे, सबका ये संकल्प है। आज एक अहद लिया गया, बहुत से लोगों ने जो अपने छोटे मोटे नशे हैं वो छोड़ने की घोषणा भी करी, पर ये हम सोचते हैं इसके और परिणाम जब होंगे, जब मिलके हम ज़मीनी स्तर पे इसके लिए कमेटियां जैसे बनाने का लोगों ने फैसला किया है, उसके लिए सभी को जोड़ के उसमें रोकने का काम किया है। और आज सतपुतिया के हुसैनपुर गाँव को इसलिए चुना गया कि उन्होंने इच्छा जताई थी कि हम एक महीने के अंदर अपने गाँव में पूरी तरीके से नशा मुक्त हम होके अपने साथियों को, अपने नौजवानों को या ऐसे करने वालों को, उनको ये अपना जो है एक उदाहरण पेश करेंगे, एक नुमाया पेश करेंगे मेवात के, हरियाणा के, पूरे हिंदुस्तान के मंच पे कि हम जब किसी की चीज़ को ठान या इरादा कर लेते हैं उस चीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं। हमारे नौजवानों को कौम मिल्लत की, अपने इलाके की और अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए थी। वहाँ जिनसे हमें तवक्को और उम्मीदें वाबस्ता हैं, हमें अफसोस होता है कि वो हमारे नौजवान नशे के शिकार होते जा रहे हैं। लिहाजा बहुत अच्छी मुहिम है और हम इसकी भरपूर तायद भी करते हैं और इसका खात्मा करने के लिए अपने ज़ाती तौर से भी और मिल कर के भी इंशाल्लाह हम चाहते हैं। तो बहुत अच्छी शुरुआत है, ये तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। हमें अपने तौर से भी बहुत ही ज़्यादा हम फ़िक्रमंद थे और बाकी जिन साथियों ने भी इस काम को शुरू किया है, बहुत ये ज़रूरी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ ये तो हमारे नौजवानों का बिल्कुल ढांचा ही ख़राब हो गया है और इसमें हमें सबको साथ देना चाहिए मिल करके। और इसमें मैं समझता हूँ किसी सियासी एतबार से कोई ताल्लुक इसके सियासत से नहीं है। बहरहाल हम आभारी और शुक्रगुजार हैं उन लोगों को जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया है और हर व्यक्ति का, हर आदमी की ये ज़िम्मेदारी है।